बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। आज हम खास एक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हमारे चैनल को लाइक करने से पहले पूरी वीडियो देखें, फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, दोस्तों से शेयर करें। आप लोगों की तरफ से ये हमारे लिए इनाम है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। आज हम बनाएंगे पूड़ी और उसको फ्रीज करना दिखाएंगे और उसको रोटी में तब्दील करके दिखाएंगे कि पूड़ी की रोटी भी बन जाएगी और उसको आप जब चाहे फ्राई भी कर लें और तबीयत ना ठीक हो तो आप उसको निकाल के रोटी की जगह बना सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही ज़बरदस्त है ये तरीका। ये मेरी बहनों ने, तीन चार बहनों ने यही सवाल किया था कि पूड़ी फ्रीज करना आप दिखाएं। इसको ज्यादा बारीक भी नहीं रखना और ना इसको ज्यादा मोटा रखना है। ये देखें, वो आपकी मर्जी है आपने इसको कितना बड़ा रखना है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने ट्रे ले लिया, सीधा बिल्कुल सीधा आपने लेना है। इसके अंदर मैंने ये पेपर लगा लिया, ये देखें, ये मैं पूरी इसके ऊपर रख दी है। अभी मैं ये वाला पेपर इसके ऊपर ऐसे कर दूंगी, ये देखें ऐसे। अब इसके ऊपर फिर एक पूड़ी रखूंगी। इस तरह ये पूड़ी आपस में वो जुड़ती नहीं है, अलहदा अलहदा रहेंगी। बनाने के टाइम भी आप एक निकाले दो निकाले आसानी से निकाल सकती हैं। अब मैं ये देखें ऊपर पेपर, ये देखें फिर एक दफा दिखा देती हूँ। ये देखें इसके ऊपर मैंने ये पेपर कर दिया, अभी इसके ऊपर मैं रोटी रखूंगी। ये बनाने में बड़ी आसान है, आप सुबह के टाइम निकाले, जुमे वाले दिन इतने ज्यादा काम होते हैं बंदा नहीं इतने ज्यादा कर सकता। तो ये मैं तो ऐसे ही करती हूँ, फ्रीज करके रख देती हूँ, तो माशाल्लाह जुमे के दिन निकाल देती हूँ और इनको बना देती हूँ। अभी फिर मैं ये पूड़ी के ऊपर, ये देखें आपको दिखा रही हूँ, पूड़ी के ऊपर फिर रख रही हूँ। अभी फिर मैं ये वाली प्लास्टिक इसके ऊपर करूंगी, ये देखे माशाल्लाह। ऐसे आप पूड़ी बनाते जाएं, एक रखें ऊपर पेपर कर दे, फिर बनाएं ऊपर पेपर कर दे, ऐसे आपकी पूड़ी एक दूसरी पूड़ी के साथ जुड़ेगी नहीं, चिपकेगी नहीं, ठीक है ना। ऐसे बना बना के आप इसके ऊपर रखते जाएं। तो प्लीज मेरी बात और एक गौर से सुने, जब भी किसी के चैनल पे जाते हैं उसकी पूरी वीडियो देखा करें, फिर उसको लाइक करें, कमेंट्स लिखें कि उसको पूरा वॉच टाइम मिले। तो ऐसे किसी को पूरा वॉच टाइम भी नहीं मिलता तो क्या फायदा देखने का भी, प्लीज देखा करें, ठीक है ना। चाहे मेरा चैनल किसी का भी है, उसको पूरा उसका वॉच टाइम उसको दिया करें, देख के लाइक किया करें। लोग आते हैं हमारे चैनल पे तो जब वो हमें कमेंट्स लिखते हैं तो वो हमें वॉच टाइम नहीं आता, बस उनके कमेंट्स आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी, ऐसे ही हमें लाइक कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं ऐसे करते, हम जिसके भी चैनल पे जाते हैं उसकी पूरी वीडियो देखते हैं, फिर उसको लाइक करते हैं, उसको पूरा वॉच टाइम भी देते हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह मैंने तकरीबन 10-12 पूड़ियाँ बना ली हैं माशाल्लाह। अभी ये देखिए मैं इसके ऊपर रख दी, ये देखिए माशाल्लाह मैंने बना ली है। बस आपने ऐसे ही इसको कवर करते जाना, एक पूड़ी बना लेनी है फिर ऊपर कवर कर देना, फिर एक पूड़ी बनानी है ऊपर कवर कर। ये देखें नीचे वाली पूड़ी और ये देखें, तो ये जब फ्रीज हो जाएंगी ना तो ऐसे इंशाल्लाह एक एक करके बाहर निकल आएंगी। ये देखें माशाल्लाह वो मैंने 10-12 बना के वो फ्रीज कर दी है। अब ये मैंने दूसरी प्लेट ले ली है, बिल्कुल सीधी ली है, तो अब इसमें मैंने 10-12 इसमें बना के अब रख ली है। तो ये देखे अब इनको मैं फ्रीज कर दूंगी, ये आपको देखिए नजर आ रही है ना इसके, वो देखें एक एक लहर, इसको मैं फ्रीज कर दूंगी। ये देखिए पूड़ियों का मैंने साइज बड़ा रखा है, इन पूड़ियों का वो मैंने छोटी रखी हैं और ये मैंने बड़ी रखी हैं। ये देखें जी माशाल्लाह मैंने रात को बना के रख दी थी, अभी सुबह मैंने इनको निकाल लिया। अभी तो ये देखें, ये तो सबसे ऊपर थी ना, तो इसलिए ये देखें और इसको साइड पर कर देते हैं। ये देखें आपने जब भी बनानी है ना पूड़ी, तो ये नहीं कि सारी ये निकाल के बाहर रख देनी, जितनी बनानी उतनी निकाल लें, ठीक है ना। ये देखें ये पूड़ी इसके अंदर है, ये देखें ये खुद ही अलहदा हो गई है,
क्योंकि नीचे भी हमने पेपर लगाया था, ऊपर भी लगाया, तो ये अलहदा हो गई है। और नीचे वाली भी देखें, ये वाली, ये पूरी, बस इस पेपर को हमने पकड़ के खींचना है, पूरी को नहीं, पूरी टूट जाएगी। बस हमने इस पेपर को पकड़ के ऐसे ऊपर को करना है तो हमारी पूरी आ जाएगी। ऐसे ऊपर को खींचना है, ये देखे ना, अब ऊपर आ रही है पूरी, तो इसको ऐसे खींचना है, पूरी को नहीं पकड़ के खींचना है तो हमारी पूरी टूट जाएगी। ऐसे ना कि आप निकाल लें, जितनी निकालनी है आपने, 5 निकालनी है, 6 निकालनी है, ऐसे सारी ऐसे करके आप निकाल लें। दूसरी नीचे वाली जो है ना वो फिर वैसे फ्रीज कर दे, सही ना, जितनी जरूरत है उतनी निकालें। अभी ये देखें, ये मैंने ट्रे में रखी हुई थी ना, ये देखें, अभी ये ट्रे को पीछे कर दें। ये देखें, अभी आप ये जिप बैग ले लें, ठीक है ना, ये वाला, ये ले के ना इसके अंदर डाल के आप इनको रख दें। मैंने ऐसे किया था, तो ये 10-12 ये मेरी पूड़ियाँ हैं, और ऐसे ही मैंने ये देखो दूसरी प्लेट में बना के 10-12 रख ली थी। तो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, ये जिप वाला ले ले बे, इसमें आप रख दे, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे जिप बैग ले लें, उनके अंदर ऐसे डाल के रख दे, जितनी आपको चाहिए आप उतनी निकाल लिया करें, ठीक है, फिर उन जो दूसरी है उनको फिर वैसे ही फ्रीज कर दे। देखें इतनी अच्छी बनती है ना, और मज़े की बिल्कुल नहीं हुआ होता ना, जायका बदल जाए, तकरीबन आप 1 महीना निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं बनाती हूँ, करती हूँ ऐसे, मुझे पता है। तो आप इसको ऐसे बना के और इसको ऐसे सेव करके रख लें। चले जी, देखे घी फुल गर्म हो गया है, इसको फुल गर्म करना है क्योंकि हमारी पूड़ियाँ जो है वो फ्रीज है, तो घी को हम फुल गर्म करेंगे। अभी ये देखें, ये इसको प्रेस, नीचे इसको प्रेस करके रखना है आपने, देखिए माशाल्लाह फूल भी रही है, ये देखिए माशाल्लाह। आपने इसको ब्राउन करना है, ऐसे वाइट रखना है, वो आपकी मर्जी है। अब देखा ना होटलों में ये ज्यादा ऊपर से ब्राउन नहीं करते, वाइट ही रखते हैं, वो आपकी मर्जी है आपने कैसे करना है इसको, ठीक है ना। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह, इधर से भी देखें आप, ये देखें ऐसे पेपर रख ले, ऐसे पूरी रख के, ये देखें, फिर इसके ऊपर पेपर रखें, फिर इसके ऊपर पूरी रखें, क्योंकि पूरी के ऊपर घी लगा होता है, जब हम दूसरी पूरी रखेंगे तो वो दोनों का आपस में घी ज्यादा वो नजर आएगा, ऐसे ये पूरी के अंदर से घी ना निकाल लेता है। तो ऐसे एक पूरी रखे, एक ऊपर पेपर रख दे ऐसे, ये देखें अभी मैं दूसरी पूरी रख लूंगी, इसको भी ऐसे नीचे दबा के रखना है पूरी, आप इसको दबा के नहीं रखेंगी ना तो वो अकड़ जाएगी, इसको ऐसे दबा के रखें, जल्दी वो घी में जो फ्रीज पानी उसका होता है ना वो खत्म हो जाता है। ये देखें, ये देखें जी माशाल्लाह मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कैसे सॉफ्ट है, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ऊपर ये नीचे का भी, ऊपर वाली भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, तो ये देखें मैंने आपके सामने बनाई है माशाल्लाह, सारी मेरी ऐसे ही है माशाल्लाह, ये देखें, ये भी देखें माशाल्लाह। चलें जी, पहले मैंने आपको पूड़ी फ्राई करके दिखाई है, अभी पूड़ी को मैं पराठे में चेंज करके दिखाऊंगी, जो हमारी पूड़ी है ना वो पराठा भी बन सकती है। ये मैंने फ्राई पैन ले लिया, इसको अच्छी तरह मैंने गर्म कर दिया, नीचे फ्लेम ऑन है, ये मैंने ऑयल हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ये देखिए ये मैं पूड़ी इसके अंदर रख दूँगी, ये
वो आपकी मर्जी, आप पूरी फ्राई करना चाह रहे हैं पूरी फ्राई कर ले, नहीं तो आप ऐसे पराठा भी इसका बना सकते हैं पूरी का। आंच नीचे से आपने तेज रखनी है, इसका जो क्रीसपन है ना वो खत्म हो जाए जल्दी, और ऊपर भी हल्का हल्का घी हम लगा देंगे। इसको ऐसे घुमाते जाना, ऊपर से ऐसे इसको नीचे प्रेस करते जाना, दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाएगा हमारा पराठा। अभी साइड से ये देखो माशाल्लाह, पूरी का हमने पराठा बनाया है, जो फ्रीज की हुई थी ना पूरी, उनका ये पराठा। अभी दोनों साइड से ये पक रही है, ये देखो माशाल्लाह, ये देखो, ये देखिए माशाल्लाह, ये दो काम देती है पूरी, पराठा भी आप बना सकते हैं पूरी भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए बिल्कुल नरम है, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए देखिए, आप सुबह चाय के साथ अचार के साथ ले सकते हैं। लेकिन आपको पीस पीस का तोड़ के दिखा सकते हैं, ये देखिए कितना नरम है। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दें, आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।